भैंस के अलावा की क्या कह रखे हो ये बताओ? कबूतर है, हंस है। कबूतर इसमें कितने होंगे? कल लगभग लगभग 60-65 कबूतर है। 60-65 कबूतर है, सफेद वाले। और हंस कितने हैं इसमें? दो हैं, एक जो है 15 दिन पहले एक मर गया सफेद वाला। अच्छा अच्छा, देखिए। अच्छा, काटना है ना? कोई ना काटे, सारे दिन है। तो कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपको एक ग्राम सभा में लाए हैं, जो गणेशपुर ग्राम सभा है। और यहाँ एक बहुत अच्छे पशुपालक और किसान हैं, जो अभी आपको दिखाते हैं। वो ये रहे खेत में काम कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा इनका बगीचा, जो गोभी, इस समय गोभी का सीजन है, गोभी लगा हुआ है बहुत तगड़े से। और पीछे देखिए कबूतर वगैरह है। और ये फल फूल पूरा बहुत, पौधा वौधा बहुत VIP लगा रखे हैं। हर चीज़ का पौधा लगभग इनके यहाँ पास है। और ये लीची का है, लीची में भी 2-3 प्रकार आती हैं, वो लगी हुई है। और इसमें वो रखे हैं कुछ, तो थोड़ा सा हाल चाल पूछते हैं और देखते हैं। इधर देखिए ये सब, इसके पीछे तालाब है, लेकिन इतना अच्छा बना रखे हैं कि ये पूरा क्यारी है, पानी से यहाँ से बह के तो वहाँ निकल जाता है। तो दादाजी से थोड़ा बातचीत करते हैं। और देखिए अपने काम में मस्त है। ये देखिए, मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी है। मनोज कुमार तिवारी है। और ये किस चीज़ का इसमें खेती है? आलू का खेती है। आलू का खेती है। कौन सा गांव है ये? ये गणेशपुर गांव है। देखिए गणेशपुर ग्राम सभा है। और ये बहुत अच्छे ही पशुपालक हैं, और साथ साथ में डॉक्टर भी हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ये इनकी क्लिनिक है। और इतने अच्छे से ये पूरा व्यवस्था कर रखे हैं, तो थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि किसानी के लिए थोड़ा सा रामबाण चीज़ बताएँगे। ये देखिए, तो ये बताइए कि इसमें कौन कौन सा, मतलब इसमें बो रखे हैं? आलू है और क्या क्या चीज़? आलू है, गोभी है, लहसुन है, धनिया पत्ती है, और क्या है, मिर्चा है। देखिए इधर क्या रखा है, ये चाइना लीची है। ये चाइना लीची है। और ये देखिए आलू, देखिए इसी का ये गोड़ाई चल रहा है। देखिए बीच बीच में ये सब लाइन बना हुआ है। कार्टनर आलू है सो। ये कार्टनर वाला आलू है। इसको क्या कैसे बोना पड़ता है? इसको मतलब अधि वाला है कि ऐसे छोटे इसी तरीके से? नहीं 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 नहीं, ये बड़ा बड़ा आता है, उसका जो है काट के हम लोग कलम करके लगाते हैं। अच्छा, इसको काट के कलम करके लगाते हैं। और ये देखिए इनकी गाय जो है इधर बंधी हुई है, जिसको अभी दिखाते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, इतना सेवा करते हैं इसका, क्योंकि लाइन से बना रखे हैं। देखिए इसमें लाइन में ही चलना रहता है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आलू जो वो रखे हैं, ये भी बहुत छोटा छोटा पौधा है। और ये देखिए नेचुरली गोभी इनका पूरा लगा हुआ है। और ये आम का पौधा लगा है, और लहसुन का है, लंगड़ा आम है। अभी आते हैं तो पूछते कौन सा आम है। ये कौन सा आम है? ये लंगड़ा आम है, ये वाला। और वो कौन सा आम है? वो जो है जर्दा बोलते हैं बिहार में। जर्दा, बिहार। देखिए ये बिहार से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए वो बताते हैं अपने कि वहाँ पे जर्दा बोला जाता है। और ये सब देखिए फूल वगैरह कितने अच्छे से बैठा रखे हैं। और ये बताइए कि पशुपालन आपको कैसा लगता है? सबसे बेहतरीन धंधा है पशुपालन। देखिए ये है इनकी क्लिनिक, और इसी में जब टाइम पाते हैं तब बैठते हैं, नहीं तो ये पूरा किसानी का काम ये देखते हैं पूरा। ये पूरा एरिया देखिए ये इन्हीं का है पूरा। और ये फूल देखिए कितना मस्त लग रहा है। देखिए ये खुद लाते हैं और इसी को लगाए हैं। और ये गांव में है, अभी प्रॉपर देहात है। और इनका देखिए कितना सेवा कर रहे हैं। देखिए जो लोग पशुपालन करते हैं जानते हैं। देखिए पूरा साफ़ सफाई रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जानवर को बांध दिए तो यहाँ गंदगी, कहीं भी गंदगी आपको दिखाएंगे। देखिए देखिए ये पूरा, देखिए देखिए पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बगिया टाइप लग रहा है। और आपको देखने में अच्छा लगेगा अगर यहाँ आते हैं आप। और यहाँ कबूतर भी पाल रखे हैं, देखिए पूरा अंदर कबूतर रहते हैं यहाँ। तो गाय को पहले दिखा देते हैं। ये बच्चा इस समय कितने दिन की है? 7 महीने का है। 7 महीने की है, देखिए 7 महीने की ये चक्र बच्चा। और ये कितने दिन की है? 16 महीने का बच्चा है, जिसमें 6 महीना गाभिन है। देखिए 16 महीने की बच्चा है, और 6 महीने की गर्भित भी है। और इसके बगल में एक गाय है, ये वाली दिखा। ये कितने दिन की है? ये वाली, ये भी गाभिन है।
ये वाली। हाँ लेकिन दोहला गाभिन है, पहला बैच में ये 18 लीटर दूध दिया, इस बार 20-22 लीटर दूध दिया। देखिए ये पहली बार में 18 लीटर गई थी, लेकिन 20-22 के ऊपर प्लस जाएगी दूध। चार दांत है अभी, चार दांत की है। और ये देखिए इसका रख रखाव नादा वगैरह भी बाहर से दिखा देते हैं, ये ऐसा व्यवस्था बना रखे हैं देखिए कि यहाँ इनका गोबर इकट्ठा होता है, यहाँ से पेशाब इनका अंदर से बहके और उस नाली से होते हुए देखिए पूरे खेत में जा रहा है। तो एकदम प्राकृतिक रूप से ये खेती भी करते हैं और जानवरों की रख रखाव और देखभाल भी रखते हैं। और ये देखिए हरा पुआल वगैरह, ये चारा, हरा चारा है जो कटा रखे हैं, इनका नादा देखिए पूरा लाइन से लगा रखा है। और यहाँ एक पौधा है जो पीपल का शायद है, बहुत बड़ा सा है, मोटा सा है। और इधर एक घर है जो जिनके पास भी काफ़ी गाय हैं, तो थोड़ा सा और बातचीत करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये पशुपालन में बहुत शौकी आदमी हैं, बहुत शौकीन आदमी हैं, इनके पास बहुत चीज़ें हैं। और क्या क्या है इस गाय भैंस के अलावा की क्या क्या रखे हो ये बताओ? कबूतर है, हंस है। कबूतर इस समय कितने होंगे? कल लगभग लगभग 60-65 कबूतर है। 60-65 कबूतर है, सफेद वाले। और हंस कितने हैं इस समय? दो हैं, एक जो है 15 दिन पहले एक मर गया सफेद वाला। अच्छा अच्छा, देखिए और इनका कबूतर वहाँ रखे हैं, तो अभी चलते हैं आपको वहाँ भी दिखाते हैं कबूतर। और इधर देखिए कितना अच्छा बना रखे हैं पूरा लाइन, देखिए जो भी दिखाए थे तो गाय का ये नाली देखिए कितना अच्छा बना रखे हैं। नाली होते हुए इसका जो पेशाब करती है वो सीधे खेत में जाता है, तो इसका जो फास्फोरस पोटास और जो इसका मिलता है वो सब मिल जाता है इसी से। और यूरिया वगैरह नहीं डालते हैं इसमें, गोबर का ही खाद डालते हैं ना सर? हाँ, ये देखिए सारा गोबर का ही खाद डालते हैं। और थोड़ा सा इनका वो दिखाते हैं रख रखाव अपना कहाँ रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये चारपाई वगैरह डाल रखे हैं, और जो इष्टा गाय थी पहले जो बिक चुकी हैं वो यहाँ रहती हैं, और भूसा वगैरह यहाँ पर लगा हुआ है इनका, जो पैरा वगैरह इसमें कट गया है। यहाँ देखिए गोभी का एक ज़बरदस्त पूरा प्लाट टाइप की बना रखे हैं। और आपको कबूतर दिखाते हैं, ये देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है कबूतर, ये देखिए ये भागेंगे नहीं, डरते नहीं हैं, दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए बैठे हुए हैं, कबूतर का देखभाल होता है। देखिए ये इनका रहने का है पूरा व्यवस्था, और यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये देखिए। अच्छा काटना है ना? कोई को नहीं, सारे दिन अभी। और ये बुला रहे हैं, देखो अभी आएगी, बुलाओ बुलाओ, देखो ये बुला रहे हैं, बुलाने से आ जाएगी। देखो इतना इनको मतलब मानते हैं ये दोनों हंस, देखिए भागते हुए आ रहे हैं, देखो देखिए लाइव, देखिए देखिए पकड़ लिए। ये देखिए देखिए इसको पकड़ रखे हैं, ये इसी का बच्चा है ना, ये इसके का बच्चा है ना, बड़ा हो गया एकदम। देखिए इतना अच्छा इसको मानते हैं कि देखिए बुलाए तुरंत आ गए।